जब घर की चार दीवारी के अंदर दम घुटने लगता है, तब दिल को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है खुले आसमान के नीचे और प्रकृति के गोद में। उसी खुले आसमान के नीचे एक सुकून भरा सांस लेने के लिए और कुछ दिन बिताने प्रकृति के गोद में कुछ दिन बिताने के लिए हम निकल पड़े हैं हमारे हॉलीडे ट्रिप पर, हॉलीडे ट्रिप फॉर पुरुलिया। पुरुलिया ये नाम सुनते ही सबसे पहले जो जहन में आता है वह है ग्रीनरी, और इसी ग्रीनरी की खोज में शहर की कैकाफोनी से दूर कुछ वक्त बिताने के लिए हम निकल पड़े हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसेस चैटर्जी की दुनिया। होप मेरे सभी फ्रेंड हेल्दी हैं और हैप्पी हैं। इस वीडियो से पहले मैंने अपने चैनल में DIY शेयर किया है, रेसिपीज शेयर की है, डेली व्लॉग्स शेयर किया है, लेकिन ये जो वीडियो है ये सबसे पहले पहला ट्रैवल व्लॉग होने जा रहा है मेरे चैनल में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा पूरा ट्रिप है पुरुलिया का ये कई पार्ट में आने वाला है। हम सुबह 7 बजे घर से निकले थे अलॉन्ग विथ आवर वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि सफ़र में अगर जो सफ़र करने वाले साथ होते हैं वो अगर आपके दिल के बहुत करीब होते हैं तो सफ़र जो है वो भी खूबसूरत और हसीन बन जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स के साथ निकले हैं, और अभी हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि घर से हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे। हमने ब्रेकफास्ट किया है शक्तिगढ़, एक जगह है बर्धमान के पास, वहाँ पे पूरी और सब्जी के साथ हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है, और साथ में था बर्धमान का जो फेमस लैंगचा बोलते हैं एक मिठाई है, जो बहुत ही फेमस मिठाई है यहाँ का, उसके साथ हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, और फिर हम निकल पड़े हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मैं बता दूँ, हमारा जो ये पूरा ट्रिप है ये हमने बाय कार किया है, ट्रेन का टिकट हमें नहीं मिला, क्योंकि ये जो ट्रिप है ये बहुत लास्ट मोमेंट में प्लान हुआ था, तो ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन टिकट हमें नहीं मिला, इसीलिए हम बाई रोड, ये जो पूरा टूर है इसको हमने बाई रोड किया है। एक गाड़ी हमने रिजर्व करके एकदम कोलकाता से पुरुलिया, और यही गाड़ी हमारे साथ थी जो साइट सीन के लिए, और उसके बाद हमने इसी कार से वापस लौट आए कोलकाता। यहाँ पे मैं बता दूँ, मुझे पर्सनली ट्रेन जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बाय रोड लॉन्ग ड्राइव इसको आप कह सकते हैं, या बाय रोड जो ट्रिप होता है वो भी मुझे अच्छा ही लगता है। ये ट्रिप भी बहुत ही मज़ेदार रहा, मैंने बहुत इन्जॉय किया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप को। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड टू पुरुलिया, इससे पहले मैं कभी नहीं गई। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे मेरी एंग्जाइटी भी बढ़ रही थी, क्योंकि इतना कुछ सुना था पुरुलिया के बारे में, जो साइट सीन है जो वो यूट्यूब में कई बार मैंने देखा है जाने से पहले, तो वो सब देखने के लिए एक बेचैनी सी हो रही थी, कब पहुँचेंगे, कब ये सब कुछ देखेंगे। तो यही सोचते सोचते डिस्कस करते करते हम पहुँच गए हमारी पहली जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच गए हम। आपको भी अभी दिख रहा है वीडियो पे कि हम लगभग पहुँच ही गए हैं उस डेस्टिनेशन पर, और यहीं से जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और वी आर सो लकी कि हम इतने अच्छे टाइम पर पहुँचे हैं, कि तभी जो है वो सनसेट होने ही वाला था, और शायद इसी वजह से ये लेक की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेक की चारों तरफ जो है वो पहाड़ से घिरा हुआ है, मैं आपको एक बार इसकी 360 डिग्री व्यू दिखा देती हूँ कि चारों तरफ से जो है ये लेक कैसा दिखता है।
अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस लेक का नाम है बोरुंती लेक। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम तक रुके थे और जैसे जैसे सनसेट हो रहा था, वो अलग अलग जो पिक्चर है, अलग अलग जो मतलब व्यूज़ आ रहे थे सनसेट के, वो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की, क्योंकि सचमुच इतना अच्छा लग रहा था। जो लेक की पानी में जो सनरेज है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, और साइड की जो पहाड़ है वो भी पानी पे, उसकी भी रिफ्लेक्शन, दोनों मिला के जो एक नज़ारा बन रहा था ना फ्रेंड्स, कि मैं क्या बताऊँ कि कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए, चलते चलते और फोटोज़ लेते लेते हम कहाँ तक आ गए। हम पहले जो वीडियोस यहाँ पे मैंने ली थी वो वहाँ से ली थी, अभी ये पूरा घूम के लेक की इस तरफ मैं आ गई हूँ, और यहाँ से भी मैंने बहुत अच्छी वीडियोस मुझे मिला है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स मैंने ली है। अभी जो हम यहाँ पे आए हैं, ये बोरुंती लेक है। बोरुंती लेक के सामने अभी हम हैं, और अभी टाइम हुआ है आपका 3:45 एक्चुअली अभी टाइम। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, लंच अभी हमारा नहीं हुआ है, अभी आगे चल के हम लंच करने जा रहे हैं। और सुबह करीब 10 बजे के करीब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ ज़्यादा ही टाइम हमें लग गया, क्योंकि बीच में गाड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी, तो टाइम थोड़ा हमें ज़्यादा लग गया। यहाँ से फिर एक दूसरा एक स्पॉट जाने का भी प्लान है, देखते हैं कि कितना होता है। अभी तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी है, तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कहाँ और कौन कौन से स्पॉट आज हम कवर कर पाते हैं। जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों से शेयर भी करेंगे। यहाँ की जो ब्यूटी है ना, ये बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, और अभी शाम होने वाला है, तो अभी यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन की वजह से शायद उतना ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन है काफ़ी लोग है आ रहे हैं, टूरिस्ट का आना जाना अभी शुरू हुआ है। हमने बोरुंती लेक देखकर होटल जाना ही ठीक समझा, क्योंकि शाम भी होने वाली थी और हमें होटल का एग्जैक्ट लोकेशन उतना अच्छी तरह से पता नहीं था, तो होटल ढूंढने में भी टाइम लगता, इसीलिए हमने उस दिन कोई और स्पॉट विजिट नहीं किया, और बाकी स्पॉट को हमने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे के करीब हम होटल से निकल चुके थे, और हमने डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट करने के बाद ही अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रास्ते में कहाँ पे क्या खाना मिलेगा हमें नहीं पता है एक्जैक्टली, हमें जगह का उतना अच्छी तरह से पता नहीं था। तो छोले भटूरे के साथ और गरम गरम चाय के साथ हमने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, और उसके बाद हम निकल पड़े हमारी आज की जो डेस्टिनेशन है अयोध्या पहाड़, उसकी तरफ। रास्ते की दोनों तरफ के जो नज़ारे थे, इट्स रियली लाइक अ विजुअल ट्रीट फॉर अस, और इस खूबसूरती को हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा था, और अपनी यादों की झोली में हमेशा के लिए समेट लेना चाह रहा था। ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ रहे थे कि आगे हमें दिखा बादलों से घिरा हुआ अयोध्या पहाड़, जिस अयोध्या पहाड़ के बारे में हमने इतना सुना है, YouTube में कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं इसको, वही सामने खड़ा था। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस दिन का जो वेदर था वो क्लाउडी वेदर था, इसीलिए शायद बहुत साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन बादलों से घिरा हुआ जो अयोध्या पहाड़ का जो लुक है वो डिफरेंट ही लुक है। मतलब कुछ दिख रहा था, कुछ बादलों से ढका हुआ था, इट्स रियली लुक्स नाइस। वो जो सामने रास्ता दिख रहा है ना,
सांप की तरह जो ऐसे ऐसे ऊपर आया है वहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया था पहाड़ के ऊपर। और अभी हम आके रुके हैं एक व्यू पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से जो सामने का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा दिखता है। मुझे नहीं पता कैमरे में कितना अच्छी तरह से ये कैद हो पा रहा है, लेकिन आगे भी बहुत सारे ढेर सारे पहाड़ है जो कुछ बादलों के पीछे छुप गए हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं लेकिन उतना साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये नज़ारा भी, ये लुक भी बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। और मैं कहाँ पीछे रह सकती हूँ फ़ोटो खींचने के लिए, मैं भी लग गई अपनी फ़ोटो लेने के लिए। और ये सारे जो फ़ोटोज़ हैं ये आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें मैं एक चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो घर है ये कच्चे घर है, ज़्यादातर कच्चे घर है, लेकिन इसकी जो दीवार है ना वॉल पे, यहाँ के लोगों ने कुछ मतलब कारीगरी करके रखे है, अपने हैंड पेंटेड आप बोल सकते हैं, हैंड कुछ बना के रखे है दीवार पे, जो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट्स अ यूनिक थिंग, मतलब फूल पत्तियाँ या फिर कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स जो है वो बना के रखे हैं, तो वो एक अलग ही कुछ लग रहा था, इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है ये मैं शेयर कर रही हूँ। और ऐसे ही कई सारे हमें विजुअल मिले जब हम हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा रहे थे। ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा मयूर पहाड़, या मोड़ पहाड़ भी आप बोल सकते हैं। वहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर आपको ट्रेक करके चल के जाना पड़ता है, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है पूरा जो आगे का जो एरिया है या आसपास का जो पूरा एरिया है वहाँ का। तो हम सब ट्रेक करके ऊपर जा रहे हैं व्यू लेने के लिए। ऊपर पहुंचने के बाद व्यूज़ कुछ ऐसे थे फ्रेंड्स, जो पहाड़ हम चढ़ रहे थे ट्रेक कर रहे थे वो ना ऊपर जाके बिल्कुल फ्लैट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इट्स मोर लाइक अ ग्राउंड जैसा एक जगह है। और दूर तक जितने दूर तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। और ये वाला जो एक पत्थर है ना, ये इट्स लाइक अ रैम्प कि आप यहाँ पे चल के बिल्कुल एंड तक जा सकते हैं पहाड़ के। और यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, फ़ोटोज़ लेने की मतलब क्या कहे, अब सब बिज़ी हो गए ऊपर पहुँच के फ़ोटोज़ लेने में, रील्स शूट करने के लिए। और आप नज़ारे देखिए दूर दूर तक, एक बहुत ही खूबसूरत, एक मतलब इट्स रियली सूदिंग फॉर आइज़ एंड माइंड ऑल्सो। और ये जो पत्थर जो जिसको मैं रैंप बोल रही थी वो बिल्कुल एंड तक आके ख़त्म हो रहा है, और नीचे आप देख पा रहे हैं कितनी गहरी खाई है। ये बच्चों की मस्ती का टाइम है, रास्ते में एक छोटा सा किला जैसा कुछ मिल गया था तो बच्चे लग गए उस पर चढ़ने के लिए, और बहुत मस्ती की है बच्चों ने। एक्चुअली 2 साल घर में लगभग कैद रहने के बाद कुछ टाइम मिला है, वक्त मिला है उन लोगों को भी बाहर आने का, तो वो भी इस वक्त का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते थे, और वो भी अपनी पूरी जो मस्ती है वो एकदम 100% उसको वसूलना चाह रहे थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।